राम राम, सत श्री अकाल, आदाब मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों और किसान भाइयों बहनों। हमारा आज का विषय है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सिस ग्रोप। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा विषय इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सिस ग्रोप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो विषय है वो दालों की फसलें जो होती है उनमें लगने वाले कीटों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उनका मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो कृषि की दृष्टि से और विद्यार्थियों के कोर्स वर्क की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से कीड़े आते हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, लीफ ओपर है, एफिड है, कैटरपिलर है, स्टेम फ्लाई है। कुल मिला के लगभग सारे ऑर्डर जो होते हैं कीटों के वो लगभग दालों में लगते ही हैं। कहीं ना कहीं स्टोरेज में लगते हैं, कहीं ना कहीं फील्ड में ज़्यादा लगते हैं, स्टोरेज में भी आते हैं। जैसे कि पल्स बीटल है, दाल का जो घुण होता है एक प्रकार से वो अपने स्टोरेज में लगता है। चलो इसके आगे देखते हैं अपन। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू इक्री सेट मैंने साइट का डाल दिया है इसके अंदर कि 2021 के अंदर जो पल्सेज का प्रोडक्शन था वो 25.58 मिलियन मेट्रिक टन रहा था। तो बाकी डेटा चेंज होते रहते हैं, तो आप इस साइट पे जाके या इंडियन स्टेटिस्टिकल ऑफ एग्रीकल्चर पे जाके देख सकते हैं। पूरी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्रॉप है वो है ग्राम। ग्राम के अंदर मुख्यतः ये तीन कीड़े आते हैं जो कि तीनों के तीनों लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंपटीशन के लिहाज से इसमें ऑर्डर, फैमिली और साइंटिफिक नेम तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ज़्यादा इनके नाम नहीं रिपीट करूँगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्रॉप है पी, जिसे आप मटर कहते हैं। मटर में लगने वाले कीड़ों के नाम, साइंटिफिक नेम, उनका ऑर्डर और उनकी फैमिली है। जैसे लीफ माइनर है, बीन फ्लाई है, पी एफिड है, पॉड बोरर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट है ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी, मूंग, उड़द, चवड़ा इत्यादि में लगने वाले कीड़े, उनका नाम, साइंटिफिक नेम, ऑर्डर और फैमिली भी हैं। आप सारे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये साइंटिफिक नेम है, आपको रटने ही पड़ेंगे, देखने ही पड़ेंगे, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, ये तो ट्रिक से ही याद करने होंगे। अगला है पीजन पी, अरहर जिसे आप कहते हैं। इसमें लगने वाले कीड़े, उनका नाम, साइंटिफिक नेम, ऑर्डर और फैमिली है। आप सब लोग जो स्टूडेंट हैं, जनरली स्टूडेंट, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम ढूंढने करने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आप ले सकते हैं। सबसे पहले है ग्राम पोड बोरर, जिसे हेलिकोर्प आर्मी जीरा कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं कैसा होता है, लाइफ साइकिल कैसा है। सबसे पहले तो अंडे दिए जाते हैं, वाइट एग होते हैं, सिंगल या क्लस्टर में दिए जाएंगे, यानी ग्रुप में अलग अलग दिए जाते हैं। इसके बाद लार्वा जो रहता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें 5 से 7 स्टेजेज होती हैं, मतलब 5 से 7 बार ये निर्वोचन करता है। 13 से 21 दिन की 2 से 3 हफ्ते तक इसका लार्वा पीरियड रहता है। इसके बाद ये लार्वा से प्यूपा में जाता है। प्यूपा जनरली सोइल में रहता है, ठीक है, सोइल के अलावा। इसके बाद ये एडल्ट में जाता है। एडल्ट की पहचान ये है कि थोड़ा हल्का ग्रीनिश ब्राउन सा रहता है, वी शेप का स्पैक रहता है इसके ऊपर, फोर विंग पे आगे डायग्राम आएगा, आप देख सकते हैं वी शेप का। और मेल जो रहता है वो ग्रीनिश ग्रे रहता है, और फीमेल जो होती है वो ऑरेंज ब्राउन होती है, यानी कि संतरी कलर का सा भूरापन लिए होता है। और ये ज़्यादातर 1 या 23 दिन तक या 5 से 28 दिन तक इनका वो रहता है, भी मेल जिंदा रहते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं इसके लाइफ साइकिल के बाद। ये देख सकते हैं आप इसका डायग्राम, लाइफ साइकिल का। अंडे दिए जाए व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, फिर लट है, फिर छोटी से बड़ी बड़ी होती जा रही है। ये बार बार निर्मोचन करती है, अलग अलग इंस्टार होते हैं। फिर ये प्यूपा है इसका, सोयल के अंदर पड़ा है। इसके बाद ये एडल्ट, देखो थोड़ा ऑरेंज ब्राउनिश कलर है, मतलब ये मादा का चित्र है। और कहीं ना कहीं आपको इसके मुंह से लेकर थोड़े पीठ के पीछे की ओर देखो, उल्टे वी आकार का सा कुछ शो हो रहा होगा, ये इसकी पहचान रहती है। ये इसका डैमेज है, देखो बच्चों, विद्यार्थियों, किसान भाइयों, किस तरह से डैमेज कर रखा है। क्रॉप को पोड के अंदर भी चला गया है, अंदर से सीड भी खा गए हैं, पत्तियां भी कहीं ना कहीं नष्ट की हैं, कहीं ना फलियां भी देखो आधा बाहर लटक रहा है। सिम्टम ऑफ डैमेज क्या होता है, अभी अपने को पता कैसे चलेगा भी ये इसी का डैमेज। ये क्या करेगा, जो स्मॉल लार्वा के फॉलिस पार्ट पे रहते हैं, कह रहे मतलब है फूलों पत्तियों पे रहते हैं, उसके बाद जैसे जैसे
लार्वा जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो पॉड की तरफ जाते हैं, पॉड के अंदर छेद करके, यानी कि पॉड के अंदर बोर करके उसके अंदर घुस जाते हैं, फ्लावर की बड के अंदर घुस जाते हैं और एंटायर जो अंदर के दाने बनते हैं उन सभी दानों को खा जाते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं सोरगम के साथ, पर्ल मिलेट लगा सकते हैं, सीसी में तिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है वो ज़्यादातर उनकी तरफ आकर्षित होंगे तो अपनी मेन फसल है उसको कम नुकसान करेंगे। जल्दी शोविंग कर देना है अपने को, क्योंकि अर्ली प्लांटिंग रिजल्ट इन लोअर इन्फेस्टेशन बाय द इंसेक्ट देन लेट प्लांटिंग। ये बोल रहा है कि जो जल्दी शोविंग कर देते हैं उसमें कम प्रकोप देखने को मिलता है बजाय आप लेट शोविंग करते हो। क्यों लेट शोविंग करते हैं, कीड़ों के आने की जब रुत होती है या उनका टाइम होता है तब प्लांट बड़ा सॉफ्ट रहता है तो प्लांट को इजीली कीड़ा खा जाता है। टॉलरेंट वैरायटीज यूज करनी है अकॉर्डिंग टू क्रॉप। इको फ्रेंडली मैनेजमेंट के अंदर आप हेलिकोरपा आर्मीजेरा के लिए एक एनपीवी वायरस आता है जिसे HNPV कहते हैं। इसके अलावा बीटी का जो घोल आता है मार्केट में, नीम सीड कर्नेल एक्सेट यूज कर सकते हैं। ये बॉटनिकल या बायोलॉजिकल कंट्रोल कह सकते हैं इसको एक प्रकार से। दूसरा है केमिकल कंट्रोल, लास्ट का ऑप्शन बचा है फ्लूबेंडामाइड यूज कर सकते हैं आप, क्लारेंट्री मेलीप्रोल यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसे कोरोजन नाम से मार्केट में आता है। और जो डोजेज है वो यहाँ मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगा, जनरली डोजेज 0.02 से 0.03 या 0.02 से 0.03 तक रहती है अकॉर्डिंग टू इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन फील्ड। जितना जितना इन्फेस्टेशन है उसके अकॉर्डिंग डोजेज चेंज होती रहती है। तो डोज मैंने मेंशन नहीं किया, इंसेक्टिसाइड का मैंने नाम मेंशन किया है। अगला इंसेक्ट आता है लेग्यूम पोड बोर, मरुका विट्राटा कहते हैं। मरुका बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये। इसका डायग्राम है, इसकी लाइफ साइकिल है, स्टूडेंट जो है वो इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लाइफ साइकिल कई बार पूछते हैं एग्जाम में। अब देखो लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो फीमेल जो होती है पेल क्रीम कलर का अंडा देती है और सिंगली होते हैं ना कि अलग अलग दिए जाते हैं, सिंगल रे में साथ में जुड़े हुए नहीं रहेंगे, फ्लोवर पे या फिर स्टेम पे या पत्तियों पे दिए जाते हैं। लार्वा जो होता है 5 इंस्टार होते हैं, 10 से 11 दिन का इसका पीरियड रहता है और ये ज़्यादा नुकसान करता है। प्यूपा इसका सॉइल में रहता है 6 से 7 दिन में, प्यूपा 6 से 7 दिन का प्यूपा रहता है। और एडल्ट जो होता है उसमें मेल 4 से 5 दिन जिंदा रहता है, फीमेल 6 से 7 दिन जिंदा रहती है, ठीक है। दोनों मौत में क्या रहता है, ब्राउन कलर के विंग्स रहते हैं, व्हाइट पैचेस रहते हैं, बीच पैचेस मतलब बीच में चकते होंगे उनके, ठीक है। और जो हाइंड विंग जो होता है ना, हाइंड मतलब जो नीचे छुपा हुआ विंग, ऊपर वाला पंख उसके नीचे वाला जो पंख होता है वो हाइंड विंग होता है, वो मोस्टली क्या होता है व्हाइट होता है और ब्राउन बॉर्डर होती है उसकी, यानी कि नीचे का पंख पूरा व्हाइट रहता है ब्राउन बॉर्डर के साथ। आप इसका सिम्टम और डैमेज देखें, सेम वही सिम्टम और डैमेज है जैसा कि हेलिगोर पर आर्मी जरा का था। पोड बोर रहे तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर नुकसान ये पोड को ही करेगा, पोड के अंदर दाने, यानी पोड वो होता है फली या जैसे अपने गेहूं का सॉरी चने के अंदर घेघरी जिसको बोल देते हैं, फली जिसको बोल देते हैं दालों में, उनको ज़्यादा नुकसान करता है। मैनेजमेंट वही है, वेविंग ऑफ फ्लावर कैन बी हैंड पिक, कहने का मतलब है अगर आपको पत्तियों पे या फूलों पे इसका दिख रहा है कहीं ना प्रकोप तो हाथ से इसको पकड़ के हटा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और कोक्सिनेलिडी पॉपुलेशन क्या होता है, सोरगम जो होता है ये क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग करनी है अपने को सोरगम के साथ, सोरगम यानी कि ज्वार। कोक्सिनलेड पॉपुलेशन जो होती है, कोक्सिनलेड का मतलब होता है जितने भी लेडी बर्ड बीटल जो होती है ना उसका पॉपुलेशन भी क्या है बढ़ता है, बढ़ोगे यानी कि कंट्रोल के लिए। हालांकि ये लट को तो नहीं खाता है कोक्सिनेला, लेकिन इसके अलावा जो छोटे मोटे जितने भी कीड़े होते हैं उनको जरूर खा लेता है। इसके अलावा है फ्लूमेंडामाइड, एमामेक्टिन बेंजोएट, एंडोक्साकार्प, स्पाइनोसेट आप यूज कर सकते हैं मार्केट में या आसपास के जो एरिया में जो डोजेज यूज है वहाँ के कृषि अधिकारी क्या आपको सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा इको फ्रेंडली मैनेजमेंट में आप ब्यूवेरिया बेसियाना, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रेक्ट और एजाडिरेक्टिन भी यूज कर सकते हैं। अगला है ब्लू बटरफ्लाई, लैम्पिडस बॉयटिकस। देखिए मित्रों साथियों, जब तक बहुत कम चांस होता है कि तितलियां अपने फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हो, लेकिन कुछ एक तितलियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ज़्यादातर अपने मौत ही होता है, यानी कि जिसको शलभ कहते हैं हिंदी में, मौत जो होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है बजाय बटरफ्लाई के यानी कि तितली के। तो लैम्पिडस बोटिकस इसका नाम रहता है। लाइफ साइकिल देखते हैं, अंडे देती है टिप्स ऑफ होस्ट प्लांट, ऊपर ग्रोविंग टिप्स यानी कि जो ऊपर की कलिकाएं निकलती हैं वहाँ पर लार्वा जो करता है वो फ्लावर की बड को खाना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद वो सॉफ्ट जो सीड होते हैं उनको खाना शुरू करता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ लार्वा जो हल्का येलोइश यानी कि पीला सा हो जाता है। और प्यूपेशन इसका ग्राउंड में होता है यानी कि सॉइल में रहेगा। एडल्ट क्या होता है माइग्रेटरी,
माइग्रेटरी का मतलब होता है कि इधर उधर दूसरी जगह जाने वाला, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने वाला, ठीक है। और लाइफ साइकिल लगभग 3 से 4 वीक, यानी कि एक महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये इसके लाइफ साइकिल है ब्लू बटरफ्लाई का। पहले लार्वा है, लार्वा से देखो लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा येलोइशा हो जाता है। फर्स्ट इंस्टार है तो थोड़ा डार्क येलोइश है, और उसके बाद लास्ट में ज़्यादातर ग्रीनिश है, येलोइश हो रहा है। उसका प्यूपा है, उसके बाद एडल्ट है, ये अंडे दिए गए हैं। सिम्टम ऑफ डैमेज क्या होता है, आपके सामने दिख ही रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर, कि लार्वा फ्लोवर को डैमेज करता है, सीड पॉड को डैमेज करता है, इवन ये वेविंग, वेविंग का मतलब होता है जाले बनाना, जाले टाइप स्ट्रक्चर बना देता है पत्तियों के आसपास, ऐसे जाले से महसूस होते हैं अपने देखने पे। मैनेजमेंट क्या करना है, अर्ली प्लांटिंग करनी है, इंटरक्रॉप कर सकते हैं ग्राउंडनट के साथ, सोरगम के साथ, पर्ल मिलेट के साथ, और ब्लैक ग्राम के साथ कर सकते हैं। वो इको फ्रेंडली मैनेजमेंट में पे सिलोमाइसिस लसिनस और ब्यूवेरिया बेसियाना वर्टिसिलियम लेसिन, ये होते हैं एंटमोपैथोजेनिक फंगस, यानी कि वो फंगस जो दूसरे कीड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनमें बीमारियां पैदा करते हैं, ये वो इको फ्रेंडली मैनेजमेंट आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेड जो इंसेक्टिसाइड रहते हैं वो स्पाइनोसाइड होता है, ट्रेसर नाम से जो मार्केट में आता है, और इसके अलावा इंडोक्साकार्ब एवोंट नाम से मार्केट में आता है। अगला है प्लम मौत। प्लम मौत की पहचान है स्टूडेंट्स, किसान भाइयों, कि इसके पंख बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे जिसे 5-7 पंख मालूम होते हैं, लेकिन होते दो ही हैं, कटे फटे विंग्स होते हैं। एक्सिलेस्टिस एटमोसाइस का नाम रहता है। अंडे 300 से 400, येलोइश कलर के होते हैं, शाइनी से होते हैं। लार्वा जो होता है ग्रीन ब्राउन होता है, स्पाइन से नहीं तो हल्के फुल्के कांटे होते हैं, बाल भी होते हैं। लार्वल पीरियड जो है इसका 18 से 25 दिन का रहता है। प्यूपेशन अकॉर्डिंग टू सेम एज वी आर डिस्कस इन प्रायर इंसेक्ट्स, लाइक टेक प्लेस इन सोइल, यानी कि सोइल के अंदर रहता है। और एडल्ट जो होते हैं वो स्मॉल रहते हैं, थोड़े येलोइश ब्राउन विंग्स रहते हैं, जैसा कि आगे डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, पंख ऐसे लग रहे हैं जैसे 5-7 पंख एक साथ हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कटे फटे पंख होते हैं। तो इसलिए इसकी जो फैमिली होती है पेट्रोफोरिडी होती है। और इसकी जो लार्वा जो होता है, जो अपना हेड होता है, हेड का मतलब अपना सिर पॉड के अंदर घुसा देते हैं, रेस्ट बॉडी आउटसाइड बाकी बाहर रहती है, और एक बड़ा होल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेजर सिम्टम होता है। इज लोक्यूल, लोक्यूल का मतलब होता है जो पोड होता है या फिर जो फली होती है उसको ही लोक्यूल कहते हैं। मैनेजमेंट सेम लगभग वही रिपीट करना है, टाइमली शोविंग करनी है, इंटरक्रॉपिंग करनी है नॉन होस्टिंग प्लांट के ऊपर, मेंटेन फील्ड सैनिटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन आप यूज कर सकते हैं, कल्चर प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं, स्पाइनोसेड और एमामेक्टिन बेंजोएट आप यूज कर सकते हैं। अगला आता है टूर फॉर फ्लाई। तुर्क की तो दाल होती है, उसमें पोड फ्लाई लेते हैं मेलेनोग्रामाइजा ऑब्टुसा, और ये डिप्टेरा की होती है, तो इसका जो लार्वा होगा जनरल सी बात है कि मैगेट होगा। फीमेल लगभग 80 के आसपास अंडे देती है, वाइट कलर के, 3-5 दिन में वो फूट जाते हैं। इसके बाद जो लार्वा होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब ये एकदम पारदर्शी सा होता है, ग्लिस्टेनिंग वाइट होता है, चमचमाता सा वाइट कलर होता है, क्रीमी वाइट सा होता है, आर पार आप इसके दिखता रहता है। 6 से 11 दिन का इसका मैगेट रहता है। इसके बाद ये प्यूपा में चला जाता है, प्यूपा से फिर ये एडल्ट बन जाता है, यानी कि बड़ी मक्खी बन जाता है। ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं कैसे अंदर येलोइश दिख रहा है लार्वा के अंदर, यानी कि ट्रांसपेरेंट लार्वा है, चमकीला सा लार्वा होता है। पिन हेड साइज होल, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पिन हेड साइज होल सिम्टम किसका है, तो पॉड फ्लाई का है, मेलेनोग्रामाइजा ऑब्टुसा, ठीक है। और इसके अलावा इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन यूज़ कर सकते हैं आप कल्चर प्रैक्टिस के अंदर, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इंसेक्टिसाइड की बात करें तो एमामेक्टिन बेंजोइट, डायमिथोएट और फेनवर्लेट भी यूज कर सकते हैं। अगला है स्पाइनी पॉड बोरर, एटेला जिंकेनेला। ये भी क्या करता है, जो अंडे होते हैं वो 100 से 300 अंडे देती है मादा, और इंक्यूबेशन इसका लगभग 4 से 21 दिन का रहता है। लार्वा इसका पॉड को खाता है और उसके अंदर जो सीड होते हैं उनको खाता है। इसके अलावा प्यूपेशन इसका जो होता है सोइल के अंदर होता है, और एडल्ट जो होता है लगभग 20-21 दिन के अंदर अंदर मर जाता है, और एडल्ट ब्राउन कलर का सा होता है, ऑरेंज उसका प्रोथोरिक्स रहता है, यानी कि जो थोरिक्स के ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसको प्रोथोरिक्स कहते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसके लाइफ साइकिल का लार्वा भी है, इसका प्यूपा भी है, अंडा भी है, और मेन जो एडल्ट है वो भी आप इसका देख सकते हैं। सिम्टम ऑफ डैमेज, शेडिंग ऑफ ब्लूजम एंड यंग पॉड्स। ब्लूजम मतलब जो फ्लोवरिंग पार्ट रहता है, यंग पॉड टूट जाते हैं, ब्राउन स्पॉट होता है, रेटन पैचेज हो जाते हैं, और
और जो पॉड होता है उस पॉड के अंदर ही अपने विस्टा को भर देते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट वही है, आप इसके लिए स्प्रे कर सकते हैं इंडोक्साकार्प, एमामेक्टिन बेंजोएट, क्लोरोनाट्रीनिलप्रोल, यानी कोरोजन भी आप यूज कर सकते हैं इसके मैनेजमेंट में। लगभग मैनेजमेंट इनका लेपिडोप्टेरा की जो लटें होती हैं इनका लगभग सेम है, तो पीछे भी दो चार बार रिपीट हुआ है, तो कल्चर कंट्रोल है, मैकेनिकल कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, आप एग्जाम की दृष्टि से हर जगह इनका यूज कर सकते हैं। अगला है पोड बग, रिप टॉर्टस पेडेस्टिटिस। इसके अंदर देखते हैं बग है तो नॉर्मल सी बात है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, इसमें प्यूपा स्टेज नहीं होगी। एग क्या होते हैं, 22 से 24 दिए जाते हैं, टेंडर लीव्स पे देते हैं, पोड्स के ऊपर देते हैं। निम्फ जो होते हैं वो ऐसे लगते हैं डार्क ब्राउन कलर चींटियों जैसे से होते हैं। इसके बाद वो टेंडर फोलिएज और पोड्स को खाना शुरू कर देते हैं, खाते तो नहीं है खैर, वहाँ से चूसना शुरू करते हैं, रस चूसना शुरू कर देते हैं। और एडल्ट जो होते हैं वो 8-1 दिन तक जिंदा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ये भी एडल्ट जो होता है, एडल्ट और निम्फ दोनों ही नुकसान करते हैं इसमें, क्योंकि निम्फ जो होती है वो एडल्ट की बढ़ती हुई स्टेज होती है धीरे धीरे। ये इसका आप डायग्राम देखें तो कहाँ अंडे दिए हैं, इसके बाद कहाँ से रस चूस रहे हैं। देखो लास्ट में जो दो डायग्राम नीचे के दिख रहे हैं वो इसका पूर्णतः एडल्ट इंसेक्ट है, ये इसके अंडे हैं, ये इसका निम्फ है ऊपर जो लीफ के आसपास दिख रहा है, और बाकी ये है इसके द्वारा नष्ट किए गए बीज और शुद्ध बीज। सिम्टम वही है, सक द सैप फ्रॉम द शूट एंड बड, कहने का मतलब अंदर का जूस जो होता है पत्तियों का पोड का वो खा जाता है, दानों में जो दूध बनता है उसको पी जाता है, तो इस वजह से क्या है क्रॉप खराब हो जाती है। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, सोरगम की क्रॉप लगा सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है सोरगम इसके साथ लगाने के लिए। बाकी डायमिथोइड, इमिडाक्लोप्रिड, थाइमेथोक्सोन, ये सब चीज़ें भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है तुरपोड बग, क्लेविग्रेला गिबोसा इसका जो नाम रहता है। ये भी इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस में है, मतलब इसमें प्यूपल स्टेज नहीं होगी। फीमेल जो होती है वो 437 के आसपास अंडे देती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 437 होगी, ये एक एवरेज निकाला गया, आप मान के चल सकते हैं कि 400 से 450 के बीच में अंडे दिए जाते हैं ग्रुप के अंदर, 5 से 10 ग्रुप में। और जो निफ रहते हैं वो 8 से 32 दिन में लगभग डेवलप हो जाते हैं, ठंड और सर्दी गर्मी का उस पर फर्क पड़ता है, दिन कम ज़्यादा हो सकते हैं। एडल्ट जो होता है लगभग 155 डेज तक जिंदा रहता है, कहने का मतलब है 4 से 5 महीने फील्ड में ये रहेगा, ठीक है। और इसकी 6 जनरेशन होती है, यानी कि साल में ये 6 बार इसकी पीढ़ियाँ निकलती है। अब आगे देखते हैं करता क्या है, ये देख सकते हैं आप इसका डायग्राम। और देखो मैंने साइड में 3 इंसेक्ट के डायग्राम और रखे हैं, मेनली जो तुरपोड बग है वो इधर वाला है, क्लेविरा गिबोसा थोड़े ब्राउन से कलर का, उसके बाद रिप्टोर्टस पेडिस्टेटस है, उसके बाद नीचे है नजारा बिडुला, ग्रीन स्टिंक बग जिसको कहते हैं अपन। सिम्टम क्या होता है, वही है, रस चूसने का काम करता है तो प्लांट सूखेगा, बीजों से फूलों से पत्तियों से रस चूस लेगा, प्लांट सूख जाएगा। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं कंट्रोल में, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी, सोरगम, पर्ल मिलेट आदि लगा सकते हैं, और इसके अलावा स्पाइनोसेड इंडोक्साकार्प भी हम यूज में ले सकते हैं। अगला इंसेक्ट आता है बीन फ्लाई, ओफिमिया फेसियोली, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, अंडे फीमेल द्वारा दिए जाते हैं, 100 से 200 पत्तियों के ऊपर दिए जाते हैं। इनका जो लार्वा होता है वो मैगेट कहलाएगा, मैगेट जो होता है उसमें टांगे नहीं होती हैं, तो मैगेट लेगलेस लार्वा हो गया। तो न्यूली हेच होते हैं, क्रीम से कलर के होते हैं, और मिड रिब यानी कि जो बीच की जो मध्य पट्टिका जो होती है लीफ की, वहाँ पे जाना इंटर कर जाते हैं, और फिर वहाँ से वे सीधे स्टेम में चले जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं सोयल के अंदर, या फिर उसी स्टेम में रह के अपना प्यूपेशन करते हैं। एडल्ट थोड़ा ब्लैक से कलर का रहता है और थोड़ी बड़ी बड़ी लाल आंखें सी होती हैं, 2 से 3 वीक में इसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। ये इसका डायग्राम, लाइफ साइकिल जो आप कहना चाहें, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, अंडा लार्वा प्यूपा इसी में है, तो आप देख सकते हैं आंखें लाल है, कलर थोड़ा ब्लैकिश है, पंख भी थोड़े काले काले से दिख रहे हैं, तो ये इसका लाइफ साइकिल जीवन चक्र होता है। सिम्टम ऑफ डैमेज, मैगेट जैसे कि मैंने बताया स्टेम के अंदर खाएंगे, स्टेम को खोखला कर देंगे, प्लांट का जाइलम फ्लोएम मर जाता है, तो प्लांट पीला पड़ जाता है, स्टेम भूरा पड़ जाता है। मैनेजमेंट में क्या है, जो खराब हुए पौधे उनको निकाल दो, क्रॉप रोटेशन करो मेज आदि के साथ। इसके अलावा बारकोनिडी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट, बेनिफिशियल जो इंसेक्ट है यानी कि पैरास्टॉइड प्रेडेटर जो है वो यूज कर सकते हैं इसके खिलाफ, कार्बोफ्यूरान डाल सकते हैं शोविंग के टाइम, और इसके अलावा नियोनिकोटिनोइड जो इंसेक्टिसाइड हैं जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है, एसीटामाप्रिड है, थाइमेथोक्सोन
थाइमेथोक्जोमाइन इत्यादि इंसेक्टिसाइड आप यूज में ले सकते हैं। अगला है पी लीफ माइनर, क्रोमोटोमिया हॉर्टिकोला इसका नाम रहता है, और ये भी लगभग जो प्लांट की जो लीफ टिश्यू होती है वहाँ अपने अंडे देता है, 80 के आसपास अंडे रहते हैं, 2-3 दिन में अंडे इनके फूट जाते हैं। लार्वा इसका मैगेट ही होता है, और क्योंकि ये डिप्टेरा में है तो मैगेट ही होगा। प्यूपेशन जो होता है प्यूपेरियम के तहत, ये प्यूपेरियम जो होता है एक प्यूपा का रूप होता है, प्यूपेरियम के अंदर ये प्यूपा रहता है, और जो इसने जो लीफ के अंदर जो माइंस बनाती है या फिर जो भी उसके अंदर अपना ये प्यूपेशन करती है, एडल्ट होते हैं वो ग्रेइश ब्लैक के जो दूसर काले कलर के से होते हैं। और आप देख सकते हैं इसका डायग्राम किस तरह से लीफ के अंदर माइंस कर करके इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, आप देख रहे होंगे इसका प्यूपा भी दिख रहा होगा आपको कहीं ना कहीं येलोइश कलर का सा, आप ये जैसे क्रशर जो जा रहा है यहाँ देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं लार्वा मैगेट प्यूपा इसी का है, ये इसका लाइफ साइकिल भी है। सिम्टम क्या करता है, लाइफ लीफ की जो एपिडर्मिस होता है ऊपर की त्वचा होती है वाइट हो जाती है, इरेगुलर माइंस करता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना देता है, और फिर क्या है जो इरेगुलर माइंस होती है वो दानों को ख़राब कर देती हैं, कई बार ये जो प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है उसको ख़राब कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो होता है वो प्लांट के प्रोडक्शन पे भी पड़ता है, क्यों पत्तियों का काम होता है फोटोसिंथेसिस का, पत्तियां ख़राब हो जाएंगी तो प्लांट की स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाएगी, प्लांट की स्ट्रक्चर ख़राब होगी तो प्लांट उत्पादन नहीं दे पाएगा। मैनेजमेंट के अंदर इसके कुछ नेचुरल नेमीज होते हैं, डिग्लाइफस ओपी स्पीसीज के पैरास्टोइड हैं, परजीवी भ्याव जिनको अपने कहते हैं वो आप उनके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोजन यानी क्लोरांट्रेनिप्रोल, प्रोफेनोफोस, फ्लूबेंडामाइड, एमामेक्टिन बेंजोइट इत्यादि आप यूज कर सकते हैं। पीएफिन एक्रिथोसाइफन पाइसम इसका नाम रहता है, पार्थेनोजेनिस मतलब इसमें नर मादा का कोई रोल नहीं रहता है, जो आ गया वो अपने हिसाब से अंडे देता रहता है। फीमेल भी क्या जनरली 50 से 100 निम्फ जो होते हैं अंडे प्रोड्यूस करती है। पार्थेनोजेनिस मतलब होता है कि मतलब बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बच्चे उत्पन्न करना, फीमेल बिना किसी बिना मेल के संपर्क में आइए कर देते रहते बच्चे उत्पन्न करते हैं, और जो बच्चे उत्पन्न करते हैं सबसे बड़ी बात उन बच्चों के पेट में भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा बच्चा रहता है, इसलिए इस एफिड को जन्मते ही नानी बनने की एक संज्ञा दी जाती है। खैर ये तो टॉपिक से अपने टॉपिक पे आते हैं। निम्फ, निम्फ के अंदर मतलब एडल्ट की ओर बढ़ती हुई स्टेज होती है, अंडे के बाद जो निकलता है वो निम्फ होता है, लगभग 12-1 दिन में ये निम्फ की साइट कंप्लीट कर लेता है अपनी, उसके बाद ये डार्क ग्रीन कलर में बदल जाता है और थोड़ा पिंकिश नहीं गुलाबी सा कलर भी कहीं ना कहीं आपको टिप्स के आसपास दिखाई देता है। कॉर्निकल जो होता है पांचवें और छठे जो सेगमेंट होता है पेट का, उसके ऊपर दो ऐसे सींग टाइप स्ट्रक्चर निकले रहते हैं जिनको कॉर्निकल कहते हैं, जनरली 6 सेगमेंट जो होता है उस पर पाया जाता है। सिम्टम ऑफ डैमेज रहता है कि जूस को सख्त सेप कर देंगे, चूसने वाले हैं तो जनरली सी बात है प्लांट का सारा पानी पी जाएंगे, उसका जूस पी जाएंगे, और प्लांट के अगर स्टंट हो जाता है, येलो हो जाता है, विल्ट हो जाता है, सूख जाता है। रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करें इसके कंट्रोल में। उसके अलावा कोक्सिनेलिड यानी कि लेडीबर्ड बीटल इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है एफिड को खाना, तो उनका भी अपने उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे ऑफ पाइमेट्रोजाइन का यूज़ करते हैं, नियोनिकोटिनॉइड का यूज कर सकते हैं जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड। इसके अलावा आता है काउपी एफिड, ये होता है एफिस क्रेसिफोरा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये भी क्या होता है पार्थेजेनेटिक विवीपेरस होता है, कहने मतलब विवीपेरस वो होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं होते हैं, इनके पेट से डायरेक्टली बच्चा ही निकलता है, अंडे नहीं होते हैं। 32 से 36 निम्फ अंडे ये क्या है मादा अपने पेट से निकालती है। इसके अलावा 4 से 6 दिन के अंदर जो निम्फ होते हैं अलग अलग निर्मोचन करते रहते हैं। एडल्ट जो होते हैं वो शाइनी ब्लैक डार्क ब्राउन रहते हैं, यानी कि पहले वाला जो एफिड था वो थोड़ा ग्रीनिश कलर का था, ये थोड़ा काले कलर का था, काला तेला कह देते हैं इसको, वो हरा तेला था। सिम्टम ऑफ डैमेज देख सकते हैं आप, वही एक सेकंड शेप सेल यानी कि प्लांट का सेल का कोशिका का सारा रस चूस आता है, और कुछ ना कुछ क्रॉप में ये डिजीज भी फैलाता है जिसे ग्राउंडनट रोस्टी वायरस हो गया। मैनेजमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, फ्यूजेरियम वर्टिसीलियम इत्यादि क्या है फंगल पैथोजन को इनके ऊपर छोड़ सकते हैं इनके कंट्रोल के लिए। कुछ प्रेडेटर्स होते हैं चेलोमेनस, कोक्सिनेला, सिरफिड लार्वा, इन सब का अपने यूज कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल जो हैं इमिडाक्लोप्रिड, थाइमेथोक्सोम, एसिटामाप्रिड, डायमेथोड, ये सारे भी इफेक्टिव होते हैं इसके ऊपर। धन्यवाद, आज की क्लास के लिए इतना ही। और ये वो कीड़े मकोड़े हैं जो जनरली दाल वाली फसलों में लगते हैं, इसके अलावा अगर कोई है तो फिर कभी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि
कुछ कीड़े हैं जो बच जाते हैं, जो कि एक या दो बार फसलों में दिख जाते हैं, जैसे कि ब्लिस्टर बीटल है। तो ये जनरली जो क्या करता है, जैसे अपने देखते हैं पीछे की ओर जाके, ये देखिए आप ब्लिस्टर बीटल माइलेबस ही होता है, ये फूलों को खाता है, ये एडल्ट ही खाता है, इसका लार्वा नहीं खाता है, इसका एडल्ट खाता है। इसके अलावा पल्स बीटल आपको नाम दिख रहा हो, ये कर्सर जहाँ तक जा रहा है मेरे लैपटॉप के अंदर, आप देख सक पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पल्स बीटल होता है, कोल्सोब्रुकस, ये फील्ड में भी आता है और ये स्टोरेज में भी चला जाता है। इसके अलावा ब्लिस्टर बीटल मैंने बता दिया, एक ऐसा कोलियोप्टेरा का एकमात्र कीड़ा ये है, और एक पल्स बीटल, दो ही हैं, बाकी सारे लेपिडोप्टेरा या डिप्टेरा या हेमिप्टेरा से बिलोंग करते हैं। और इसमें डिप्टेरा से दो दो प्रकार के कीड़े लगते हैं, एक तो डिप्टेरा में जो होते हैं वो आते हैं एग्रोमाइजिडी फैमिली में, जैसे कि आपकी तुर पोड फ्लाई है वो एग्रोमाइजिडी के अंदर आती है, ठीक है। और इसके अलावा अपन ने जो पीछे एक चीज़ पढ़ी थी, सोरगम शूट फ्लाई होती है, वो डिप्टेरा में आती है, लेकिन उसकी फैमिली मिसिडी होती है, और इसकी जो फैमिली है ये एग्रोमाइजिडी होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। खैर आज के इस इंसेक्ट पेस्ट और पल्सिस ग्रुप में इतना ही था, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए जो कि अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर जो कोर्सेज लग रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जनरली क्वेश्चन ऐसा ही आता है भी, प्लीज डिस्क्राइब और इनलिस्ट द इंसेक्ट मेजर एंड माइनर इंसेक्ट ऑफ पल्सिस ग्रुप एंड डिस्क्राइब अमंग टू और थ्री। तो आप लोग, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टॉपिक है और आप लोगों के लिए फायदेमंद है, तो विद्यार्थीगण इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, और आगे का जो लेक्चर होगा वो जल्दी विद इन ए वीक आपके इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।